हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान, 4 जून को परिणाम। एक बार फिर हरियाणा के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। महेंद्रगढ़ के पाली में चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पीएम। प्रियंका गांधी भी हरियाणा के चुनावी रण में झोंकेंगी ताकत। सिरसा में कुमारी सैलजा के लिए किया रोड शो, पानीपत में दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए करेंगी रैली। पंचकुला में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक ट्रक पर चढ़े राहुल गांधी, हेलीपैड तक ट्रक में गए राहुल, ट्रक पर सवार होकर नौजवानों से की बातचीत। न्यूज 18 से दुष्यंत चौटाला की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मनोहर लाल और हुड्डा के बीच फिक्सिंग, करनाल और रोहतक को लेकर फिक्सिंग। सोनीपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बिंद्रोली गांव में सगे भाई ने अपने भाई भाभी और 3 महीने के भतीजे को तेज हथियार से उतारा मौत के घाट। मुंह में धूल भरी आंधी ने बढ़ाई परेशानी, सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे टूटे, 200 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूबे। हल्की बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से थोड़ी राहत। सियासत का, हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी और प्रियंका गांधी जो है हरियाणा में हुंकार भरेंगे। महेंद्रगढ़ के पाली में पीएम मोदी की रैली है, अहिरवाल के साथ रोहतक की जाट लैंड को साधने की कोशिश पीएम मोदी द्वारा यहां पर की जाएगी। सिरसा में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही है, इसके बाद वो पानीपत जाएंगी, पानीपत में दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए रैली जो है वो प्रियंका गांधी करेंगी। न्याय संकल्प रैली में पूरी ताकत जो है वो प्रियंका गांधी झोंकेंगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है हरियाणा में और आज शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। लेकिन इससे पहले दिग्गजों की बड़ी रैलियां हरियाणा में, आपको बता दें कि पीएम मोदी जो है अहिरवाल के साथ साथ रोहतक जाट लैंड को साधने की कोशिश करेंगे। सिरसा में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं, कुमारी सैलजा के लिए ये रोड शो किया जा रहा है उनकी तरफ से, और इसके बाद वो पानीपत जाएंगी। दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल में जो पूर्व सीएम को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके लिए जो है प्रियंका गांधी न्याय संकल्प रैली करेंगी। इससे पहले जो है कल राहुल गांधी जो है हरियाणा के रण में उतरे थे, महेंद्रगढ़ में उन्होंने रावदान सिंह के लिए प्रचार किया, और आज पीएम मोदी की रैलियां हैं, और इससे पहले जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो हरियाणा आए थे, हरियाणा के रण में उतरे थे, हुंकार भरी थी और अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार जो है दिग्गजों की तरफ से किया गया। और आज जो है प्रियंका गांधी हुंकार भर रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सिरसा में रोड शो कर रही है, कुमारी सैलजा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं वो, और पानीपत में इसके बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए वो रैली करेंगी। न्याय संकल्प रैली में अपनी ताकत जो है प्रियंका गांधी झोंकेंगी, तो विजय संकल्प रैली पीएम मोदी द्वारा की जाएगी। महेंद्रगढ़ के पाली में पीएम मोदी जो है विजय संकल्प रैली करेंगे, अहिरवाल के साथ साथ रोहतक जाट लैंड को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी द्वारा की जा रही है। सोनीपत और रोहतक दोनों सीटों पर जो है बीजेपी की खास नजरें हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में दिग्गजों की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आज प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी और प्रियंका गांधी हरियाणा में हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के पाली में पीएम मोदी रैली करेंगे, इसके बाद वो पंजाब की तरफ जाएंगे और पटियाला में जो है प्रचार करेंगे। सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो है, और आपको इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, दिग्गजों का चुनाव प्रचार जो है और आज आखिरी दिन है, आप इस बारे में क्या कुछ जानकारी हमें देंगे, क्योंकि पीएम मोदी की भी रैली है, प्रियंका गांधी रैली कर रही हैं।
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो दिग्गज हैं वो मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के अंदर जो महेंद्रगढ़ में पाली गांव आता है उसके में नरेंद्र मोदी अभी रैली करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद जो प्रियंका गांधी हैं वो भी सुबह से रोड शो कर रही हैं सिरसा के अंदर, और सिरसा के अंदर रोड शो के बाद वो पानीपत में पहुंचेंगी, पानीपत में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। तो कहीं ना कहीं जो दिग्गज हैं वो मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। कल राहुल गांधी भी हरियाणा के अंदर आए थे, राजनाथ सिंह हरियाणा के अंदर आए थे, नितिन गडकरी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करने आए थे, और अब लगातार जो चुनाव प्रचार है वो अपने पूरे चरम पर है। शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर जाकर के लोग वोट मांग सकेंगे, जो नेता है वो वोट मांग सकेंगे, लेकिन जो शोर है वो बिल्कुल थम जाएगा। और 25 तारीख को मतदान होना है। अब देखना होगा कि 25 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता किसके पक्ष में मतदान करती हुई नजर आती है। क्या कांग्रेस का 2019 में खाता नहीं खुला था तो क्या अब की बार खाता खुल पाता है, या 2024 की तरह बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, ये अभी देखना होगा जी। अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पीएम मोदी की एक हफ्ते में ये दूसरी रैली है हरियाणा में, और जाटलैंड को साधने की कोशिश यहाँ बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी रैली है। पहली रैली अंबाला के अंदर हुई थी, फिर गोहाना के अंदर हुई थी, और अब ये तीसरी रैली है जो पाली के अंदर होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। अमित शाह भी यहाँ आए थे और 3 रैलियां कर करके गए थे, राजनाथ सिंह आए 3 रैलियां करके गए, नितिन गडकरी आए, योगी आदित्यनाथ खुद आए, तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी आए, मोहन यादव आए, भजन लाल शर्मा आए, तो सभी दिग्गजों को पार्टी ने यहाँ उतार रखा है। और कोशिश यही है 2019 का जो नतीजे रहे थे उनको एक बार फिर से दोहराया जाए, लेकिन वो राह आसान लग नहीं रही है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस पूरा कॉन्टेस्ट जो है हर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों को दे रही है। अब देखना होगा कि नतीजे आते हैं तो किसके खाते में कितनी सीटें आती है। जी शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये पीएम मोदी की तीसरी रैली है और एक हफ्ते में वो दूसरी बार जो है हरियाणा आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो हरियाणा के दौरे पर थे, एक दिन में उन्होंने 2 जनसभाएं की थी, और आपको बता दें कि आज न्याय संकल्प रैली है कांग्रेस की, जिसमें प्रियंका गांधी जो है वो पूरी ताकत झोंकेंगी। सिरसा में वो चुनाव प्रचार कर रही है कुमारी शैलजा के लिए, इसके बाद वो पानीपत में दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए प्रचार करेंगी, और महेंद्रगढ़ के पाली में पीएम मोदी की रैली है अहिरवाल के साथ साथ जाटलैंड को साधने की पूरी कोशिश जो है वो पीएम मोदी की द्वारा की जाएगी। बात करेंगे करनाल हॉट सीट की। इस बार इस सीट पर सबकी नजरें हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल और वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सीएम सैनी ने करनाल में रोड शो निकालकर वोट की अपील की। इस दौरान सीएम ने न्यूज 18 के संवाददाता हिमांशु नारंग से खास बातचीत की। कितना उत्साह पब्लिक में नजर आ रहा है, ये आपके सामने है। आप बताइए, पूरा करनाल आज उमड़ करके अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आया है। यहाँ से 2 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन से एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए यहाँ से करनाल के लोग जतवा करके बड़े मार्जिन से एक को दिल्ली भेजेंगे। एक बात और, आज राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने कहा कि मनोहर लाल सिर्फ सांसद नहीं बन रहे बल्कि दिल्ली में कुछ और भी बन रहे हैं। बिल्कुल, देश का मनोहर लाल जी के एक्सपीरियंस का पूरा देश लाभ देगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार को कैसे देखते हैं? आज राहुल गांधी हरियाणा के अंदर थे, वो फ्यूज बल्लभ है और बल्लभ फ्यूज हुआ है ना, जन का समर्थन है, जन का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने मजबूती से देश को आगे बढ़ाया है, इन्होंने झूठे वादे करके लोगों को गुमराह किया है, देश में समस्याएं पैदा की हैं, नरेंद्र मोदी ने समाधान किए हैं, ये दो लोग देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी जिन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और सीएम नायब सिंह सैनी के बाद न्यूज 18 पर दुष्यंत चौटाला ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। गठबंधन टूटने की कहानी को दुष्यंत ने अपनी जुबानी बताया है।
इस वजह से गठबंधन टूटा और बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने न्यूज 18 पर क्या कुछ कहा है। और अलग क्यों हुए फिर आप? सीट शेयरिंग की बात थी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो ये चाहेगी कि जो उनकी प्राथमिकताओं की सीट है उस पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कह रहे हैं आप बड़े वाले चाणक्य निकले हैं, आपने ये सब इसलिए किया है ताकि जाट आपके साथ रहे, ऐसा ना हो कि छिटक जाए, उनके साथ नॉन जाट रहे, आप दोनों इसे साधें और चुनावों के बाद आप साथ आ जाएं। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा कानून के अंदर बदलाव मैंने जो किया वो 8% BCA को पंचायती राज में हिस्सेदारी दिया। आज नाई तेली कुम्हार सुनार लोहार हो, पंचायत में मेंबर बनना भी बहुत बड़ी बात होती थी और आज इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है। कोई कास्ट स्पेसिफिक पॉलिटिक्स ना तो हमारे संगठन ने कभी करी और ना आने वाले भविष्य में हम सोचते कि हमें इस तरह की पॉलिटिक्स की प्रदेश में जरूरत है। लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, क्या ऐसा होगा कि आप, चलिए मान लिया आपको बाकी सब लोग भी वोट कर रहे हैं, आप लोग साथ आ जाएंगे बीजेपी और जेजेपी? 90 की 90 सीटों पर जो नायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, आज कोई कहता हो कि बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल तथ्य गलत है। नहीं, चुनावों के बाद साथ जा सकते हैं उनके? बिल्कुल मुझे नहीं लगता आज कोई परिस्थिति बने। अभी अगर लोकसभा चुनावों की तो बात हो ही रही है, विधानसभा चुनाव मतलब सरकार गिर रही है नायब सैनी की, आपने कहा कि मैं कांग्रेस को बाहर से समर्थन इस मामले में देने को तैयार हूँ, खबर ये आ रही है कि उनकी सरकार गिरे ना गिरे आपकी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी एकदम महाराष्ट्र के अंदर। उस समय भी लोग आए थे और संगठन के बाहर से हमने लोग लिए थे, जब भी पार्टी खड़ी होती है तो लोग आते हैं, अलग अलग संगठनों से आते हैं। आज उनमें से कुछ लोगों की सोच होगी कि वो अपने पुराने पैतृक संगठनों की तरफ जाएं, आप क्या उनको रोक सकते हैं? एक जुड़ाव आपका किसी न्यूज चैनल से आज रहा है और 2 साल बाद बदल जाए और 10 साल बाद आपको ये लगे कि मुझे प्राथमिक चैनल में ही वापस जाना है तो क्या आपको कोई चुनाव में रोक सकता है? ये चीजें समझने की है। वो बात मैं समझ गई, लेकिन मान लीजिए वो चैनल ही तोड़ दे आदमी, जैसा आपकी पार्टी को लेकर इस वक्त ये सवाल चल रहा है। एक चीज अशोर कर सकता हूँ, 10 में से सिर्फ 2 लोग हैं, आप और आपकी मम्मा फिर हैं। आपके तथ्य खराब गलत है, आज के दिन भी 3 लोगों ने डिसेंट किया है और उन तीनों के खिलाफ पार्टी ने स्पीकर को ऑलरेडी लिखित में दे रखा है कि इनने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेज शेयर करे हैं और ये पॉलिटिकल विचारधारा जिसपे इलेक्ट होकर आए थे। आज हमारे पास आर्टिकल 10 के तहत ये पावर है कि उनकी सदस्यता भी जाएगी, वो XMLA का टैग भी नहीं लगा पाए और हमने उस कार्रवाई की मांग को आगे कर दिया है और जो कार्रवाई होगी अब तो बॉल्स इन स्पीकर्स कोर्ट, स्पीकर उस पे कदम उठाए। आपने तो खत भी लिखा है बकायदा, क्या नायब सैनी की सरकार गिर सकती है हरियाणा बीजेपी की सरकार? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी 46 विधायकों के साथ विधानसभा में आई और 46 विधायकों के साथ जब विधानसभा में आई तो उनने बहुमत साबित किया, नायब सैनी को शपथ दिलाई, उसमें से 3 विधायक 46 में से ऑलरेडी गवर्नर को लिखकर भेज चुके हैं कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। 2-1 निर्दलीय विधायक जिनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, रंजीत सिंह जी, उनकी सदस्यता ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, उनने रिजाइन कर दिया था, और वही दूसरे मनोहर लाल जी जिन्हें नायब सैनी के लिए अपनी सीट को छोड़ा, तो दोनों की मेंबरशिप ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। तो 5 MLA उस सरकार से माइनस हो गए, 41 आ गए और आज की 88 की असेंबली में 45 का आंकड़ा छूना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। क्या नायब सैनी वो बहुमत साबित कर पाएंगे ये उनको फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। हमने तो गवर्नर को ये लिखा है क्योंकि आर इलेक्शंस आर ड्यू इन 3 months कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए और इलेक्शन कमीशन को लिखित में दीजिए कि प्रदेश में दोबारा चुनाव कराएंगे। आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लड़ेंगे। तो आपने दुष्यंत चौटाला को सुना, रुख अगली खबर का करेंगे। न्यूज 18 का कारवा अंबाला कैंट पहुंचा जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से न्यूज 18 ने बस में खास बातचीत की। राहुल गांधी के वादों पर जमकर बरसे हैं विज, उन्होंने कहा कि 60 साल का जब राज था तो ये बातें क्यों लागू नहीं की। वहीं हिंदुस्तान शब्द से राहुल गांधी के परहेज पर अनिल विज ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि यही उनका दोगला चेहरा है जो सबके सामने आता है, वो कहते कुछ है और करते कुछ और है।
वहीं गुड़गांव से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने गुरुग्राम में रोड शो निकाला। इस दौरान रोड शो में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान फाजिलपुरिया ने अपने विरोधियों पर वार किया। फाजिलपुरिया ने कहा कि 20 सालों से यहां कुछ नहीं बदला, लोगों ने विश्वास कर इन्हें जिताया था लेकिन ये गुमशुदा रहे। आज इनके गोद लिए गाँव में भी इन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बरादरी हर वर्ग ने उन्हें वोट करके विश्वास से उन्हें जिताया था कि हमारे काम करेंगे, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका समाधान होगा। लेकिन 20 साल के अंदर मैं बताना चाहूंगा गुमशुदा रहे, उन्हें ढूंढने के लिए उनका एड्रेस भी नहीं मिलता, उन्हें कोई फोन नंबर नहीं मिलता। पब्लिक परेशान हो, जो उनके खुद के गोद लिए हुए गाँव थे वो भी उन्हें काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं। आज 15-15 गाँव की पंचायत हो रही है, वो लोकसभा चुनाव के बहिष्कार कर रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से। आज RWA ने नगर निगम का नाम नरक निगम निकाल दिया है। आज RWA उनका खुले में बहिष्कार कर रही है और कुछ RWA कुछ लोगों को तो ये नहीं पता कि आज का सांसद है कौन। अभी तक ऐसा हाल रहा है।